बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 का टॉपिक डैम्प ऑसिलेशन एंड वेव मोशन। लास्ट टाइम हमने लेक्चर में पढ़ा था करैक्टरिस्टिक ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जिसमें हमने वाइब्रेशन क्या होती है ये देखा था कि कोई जिस्म वाइब्रेट करता है तो इसका मतलब क्या है, उसका टाइम पीरियड, फ्रिक्वेंसी और उसका एम्पलीट्यूड। आज का टॉपिक भी हमारा वाइब्रेशन से और एम्पलीट्यूड से रिलेटेड है। आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है डैम्ड ऑसिलेशन। डैम्ड ऑसिलेशन के बारे में पढ़ने से पहले आप अगर गौर करें, अपनी रोजमर्रा जिंदगी में कोई बॉडी मूव कर रही है, ठीक है, तो वो वाइब्रेट भी कर सकती है, वो ट्रांसलेटरी मोशन भी कर सकती है, रोटेटरी मोशन भी कर सकती है। अगर हम वाइब्रेटरी मोशन की बात करें तो कोई बॉडी जब तक किसी बॉडी के ऊपर फोर्स नहीं लगती तो वो कंटिन्यूसली मूव करती जाती है, ठीक है। लेकिन ये आइडियल सिस्टम ऐसे हो सकता है कि कोई भी फ्रिक्शन की फोर्स, कोई भी रेजिस्टेंस की फोर्स ना लगे। हकीकत में ऐसा नहीं होता। रोजमर्रा की जिंदगी में हम जितनी भी बॉडीज मूव करती हुई देखते हैं, हम कोई मशीनरी देखते हैं चल रही है, तो उसमें भी लाजमी कोई ना कोई रेजिस्टिव फोर्स मौजूद होगी, ठीक है। इसी तरह जब हम चलते हैं तो जमीन पर हम तभी चल सकते हैं, फ्रिक्शन मौजूद है, यानी कि फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद है तो हम चल सकते हैं। अगर फ्रिक्शन की फोर्स मौजूद ना हो तो हम चल ही नहीं सकते, यानी कि हर बॉडी की मोशन के लिए रेजिस्टिव फोर्स लाजमी होती है और कुछ बॉडीज को रोकने के लिए भी रेजिस्टिव फोर्स लाजमी होती है। अब हम अगर डैम्ड ऑसिलेशन को देखें तो प्रैक्टिकली जब कोई बॉडी मूव करती है, ठीक है, और उसके ऊपर जब फ्रिक्शन की फोर्स लगाई जाती है, तो फ्रिक्शन की फोर्स आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था कि फ्रिक्शन एक रेजिस्टिव फोर्स है, यानी कि ये किसी भी बॉडी को हरकत करने से रोकती है। तो उसकी वजह से क्या होता है, बॉडी आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाती है। देखें ये वेव्स हैं, इसमें सेम एम्पलीट्यूड की ये वेव्स हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, एक ही सीक्वेंस से जो है वो बॉडी अगर वेव्स की शक्ल में मूव कर रही। अब अगर इस डायग्राम पे गौर करें तो पहले देखें इसका एम्पलीट्यूड हाई था, आहिस्ता आहिस्ता एम्पलीट्यूड जो है वो बॉडी का कम हो गया। इसका मतलब है कि पहले बॉडी जो है वो ऑसिलेट कर रही थी, आहिस्ता आहिस्ता कम एम्पलीट्यूड होते होते यहां पे बॉडी आके बिल्कुल रुक गई है। टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट जो है वो तय करने के बाद रुक जाती है। तो ये क्यों हो रहा है, ये हो रहा है फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से, ड्यू टू फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन क्या है, यही एक रेजिस्टिव फोर्स है। ये जैसे डेफिनेशन हमने लिखी हुई है डैम्ड ऑसिलेशन की, कि ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी इन द प्रेजेंस ऑफ सम रेजिस्टिव फोर्स, यानी कि किसी भी मजाहमती फोर्स की मौजूदगी में अगर बॉडी मूव करती है तो उसकी मोशन को हम कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन, या ऑसिलेट करती है तो उसको हम कहते हैं डैम्ड ऑसिलेशन। अब इसकी एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल हम देखते हैं गाड़ियों के शॉक ऑब्जर्वर, ठीक है। शॉक्स मोटरसाइकिल में भी आपने देखे होंगे लगे होते हैं, कि अच्छी मोटर बाइक्स जो होती हैं उनके अंदर जब काफी अच्छी किस्म के शॉक्स लगे होते हैं, तो किसी ऐसी रोड पे जहां पे मोटर बाइक चल रही हो जो खराब हो, यानी कि प्लेन रोड ना हो, तो वो शॉक्स क्या करते हैं, वो आपको जंप नहीं लगने देते। वहां पे डैम्ड ऑसिलेशन हमारे लिए फायदेमंद होती है। काफी ज्यादा जगहों पे डैम्ड ऑसिलेशन जो है हमारे लिए नुकसानदेह भी साबित होती है। तो आज हम एग्जांपल इसकी पढ़ेंगे, शॉक्स या शॉक अब्सॉर्बर ऑफ व्हीकल, गाड़ियों के शॉक अब्सॉर्बर जो है वो इसकी एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि किस तरह वो डैम्ड ऑसिलेशन परफॉर्म करते हैं। शॉक ऑब्जर्वर जो होते हैं गाड़ियों में, क्या होता है, एक पिस्टन लगा होता है। पिस्टन क्या होता है, पिस्टन एक ऐसा कवर होता है जो मूवेबल होता है, यानी कि अगर ये एक सिलेंड्रिकल शेप है, ये पिस्टन लगा हुआ है, ये पिस्टन ऊपर नीचे मूव कर सकता है।
आप अगर सिरिंज को देखें तो सिरिंज में भी वो पिस्टन लगा होता है जिसको हम ऊपर नीचे मूव करते हैं और इंजेक्शन सिरिंज के अंदर भरा जाता है लिक्विड, ठीक है। तो ये गाड़ियों के जो कोई शॉक ऑब्जर्वर बने होते हैं उनकी एक साइड पे ऊपर क्या लगा होता है, पिस्टन, इसके अंदर होता है लिक्विड, एक खास किस्म का ऑयल कह ले, ठीक है। ये ऊपर वाला हिस्सा गाड़ियों के साथ मुंसलिक होता है। तो क्या होता है, जब जंप लगता है तो ये नीचे की तरफ मूव करता है, ठीक है, फ्रिक्शन पैदा होती है, वो फ्रिक्शन की फोर्स जो है वो इसको क्या करती है, वाइब्रेशंस को, इनकी एनर्जी को कन्वर्ट कर देती है हीट एनर्जी में। ये जो इसके अंदर लिक्विड ऑयल होगा इसकी हीट एनर्जी में कम कर दे, कन्वर्ट कर देगी। तो इस वजह से क्या होगा, वाइब्रेशन जरा कम होगी, आहिस्ता आहिस्ता, ये ज्यादा वाइब्रेट नहीं करेगा, यानी कि ज्यादा गाड़ी जो है वो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ जंप नहीं करेगी, आहिस्ता आहिस्ता। इसकी वजह से शॉक ऑब्जर्वर जो है वो डैम्प ऑसिलेशन परफॉर्म करेगा और इसी तरह ये जो है वो आहिस्ता आहिस्ता क्या हो जाएगा, इसका एम्पलीट्यूड कम होगा और ये आपको जंप लगता हुआ महसूस नहीं होने देगी। ये था आज का हमारा एक टॉपिक, डैम्प ऑसिलेशन, के कोई बॉडी जब किसी भी मज़ाहमती फोर्स, रेजिस्टिव फोर्स की मौजूदगी में ऑसिलेशन परफॉर्म करती है तो उसको हम कहते हैं डैम्प ऑसिलेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी वेव मोशन। वेव मोशन, वेव क्या है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वेव बेसिकली है क्या। वेव आप कह लें कि वेव पैदा कब होगी या वेव क्या है, तो वेव एक किस्म की क्या है, डिस्टरबेंस। वेव हम किसे कहेंगे, डिस्टरबेंस को, डिस्टरबेंस इन मीडियम, इन एनी मीडियम कह लें। मीडियम हमारे तीन किस्म के हो सकते हैं, लिक्विड, सॉलिड, ठीक है, गैस। तो वेव क्या होती है, किसी भी मीडियम में जब डिस्टरबेंस पैदा होती है, यानी कि एक पानी है, एक हम टप में लेते हैं पानी, ठीक है, ये है जी पानी। इस पानी में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो क्या होता है, इस पानी में जब हम पत्थर फेंकते हैं तो ये पानी अपनी जगह से डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है, यहां पे, या फिर अगर एक पेंसिल को लेके या किसी भी स्टिक को लेके ऐसे मूव करवाएं पानी में तो क्या होगा, ये पानी अपनी जगह से डिफरेंट किस्म की वेव बनाना शुरू हो जाएगा, यानी कि ऐसे मूव करेगा, आपको पानी की लहरें जो है वो शेप चेंज करती हुई नजर आएंगी। तो ये असल में क्या है, ये वेव्स पैदा हो रही है। तो वेव क्या हुआ, वेव क्या हुई, वेव किसी मीडियम में पैदाशुदा हलल है या डिस्टरबेंस है जिसकी वजह से इस मीडियम के, मीडियम क्या था, वाटर, इसके पार्टिकल जो है वो अपनी मेन पोजीशन से ऊपर नीचे मूव करना शुरू हो गए, ठीक है, ये इसकी अगर मेन पोजीशन है तो ये मेन पोजीशन से ऊपर मूव कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरह ये ऐसे मूव कर रहे होंगे। तो ये क्या पैदा हो रही है, वेव्स। अब वेव मोशन क्या है, वेव मोशन हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो हम बोल रहे हैं तो भी वेव्स पैदा हो रही हैं, ठीक है, कौन सी वेव्स पैदा हो रही हैं, साउंड वेव्स, ठीक है। उसके बाद अभी हमने क्या देखा, वाटर वेव्स, इसके अलावा आप कह लें कि एक्सरेज, ठीक है, लाइट, सूरज से लाइट हम तक कैसे पहुंचती है, वेव्स की शक्ल में, उनको हम कहते हैं लाइट वेव्स, या इसको हम रेज भी कहते हैं। तो वेव मोशन क्या है, अगर हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो इन वेव्स का बहुत अहम किरदार है, यानी कि इन वेव्स के जरिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इन वेव्स के जरिए हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं, ये जरिया है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी, इनकी वजह से हम एनर्जी ट्रांसफर कर सकते हैं। एनर्जी कौन सी, एनर्जी की भी कितनी टाइप्स आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ी हुई हैं, साउंड एनर्जी होती है, हीट एनर्जी होती है, आप साउंड एनर्जी कैसे एक जगह से दूसरी जगह वेव्स की शक्ल में ट्रांसफर करते हैं, मैं बोल रही हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है, या फिर एक मेरे सामने कोई बंदा बैठा हुआ है तो मेरी आवाज उस तक जा रही है, तो वो किस सूरत में जा रही है, वेव्स की शक्ल में जा रही है, यानी कि साउंड किस शक्ल में ट्रेवल करती है,
जस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव. तो इसका और साउंड क्या है, आपने नाइन्थ में पढ़ा था एक एनर्जी की टाइप है. तो इसका मतलब है कि वेव हमारे पास एनर्जी ट्रांसफर करने का एक जरिया है, ठीक है. और ये हमेशा पैदा कब होगी, जब कोई बॉडी वाइब्रेट करेगी. इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन. ये भी एक अहम पॉइंट है कि ये एनर्जी ट्रांसफर करती है, ये वाइब्रेशन की वजह से पैदा होती है. हम बोल रहे हैं, हमारे गले में वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड वाइब्रेट करता है तो मैं बोल पा रही हूं. अगर मेरा वोकल कॉर्ड वाइब्रेट नहीं करेगा, कोई मसला होगा, तो फिर मेरी आवाज गले से निकल ही नहीं सकेगी, यानी कि मेरी आवाज प्रोड्यूस नहीं हो सकेगी. आप किसी भी चीज को जो है वो क्या करते हैं, जरब लगाते हैं, यानी कि एक ड्रम है, आप ड्रम के ऊपर ऐसे जरब लगाते हैं तो क्या होगा, वहां से आवाज पैदा होगी. तो आवाज पैदा कब होती है, ओनली ड्यू टू वाइब्रेशन. और वाइब्रेशन की वजह से फिर क्या होता है, वेव्स पैदा होती हैं, यानी कि जाहिर है वाइब्रेशंस पैदा होती हैं. और वो वाइब्रेशंस क्या करती हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी ट्रांसफर करती हैं. यानी कि अगर यहाँ पे सोर्स मैं हूं, सोर्स से आवाज निकल रही है, यहाँ पे जो है वो सुनने वाला या ऑब्जर्वर है, तो ये बोल रहा है, ठीक है, यहां से आवाज पैदा हो रही है, ये वेव्स की शक्ल में इस तक जा रही है. अब ये वेव्स डिफरेंट टाइप्स की हो सकती हैं. साउंड वेव्स हम ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल वेव्स की टाइप होती है. लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है. तो हमने क्या पढ़ा वेव मोशन में, कि वेव मूव कैसे करती है, और वेव्स के जरिए जब वो मूव करती है तो क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है, ठीक है. और वेव्स पैदा, साउंड पैदा कब होती है, ड्यू टू वाइब्रेशन. अब हम अगर मुख्तलिफ एक्टिविटीज देखें, आपकी बुक में भी कुछ एक्टिविटीज मौजूद हैं. पहले मैं आपको बता चुकी हूं कि अगर हम एक टप लें, ठीक है, उसमें पानी भर दें, और उस पानी में जब हम, आपकी बुक में लिखा हुआ है कि पेंसिल को डिप करें, हम पेंसिल के अलावा जो है वो कोई भी और चीज ले सकते हैं. जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे जिक्र किया कि मैं एक स्टिक ले रही हूं, स्टिक को पानी के अंदर डिप करती हूं, तो क्या होगा, वहां से वेव्स पैदा होना शुरू हो जाएंगी. टप के पानी में हलल डिस्टर्बेंस पैदा होगी ना, पहले पानी बिल्कुल एक अपने सीक्वेंस से बह रहा था, ठीक है, या फिर कह लें कि साकिन हालत में था. एक टप में पानी जो है वो बिल्कुल रेस्ट हालत में था, लेकिन जैसे ही मैंने उसके अंदर पेंसिल डिप की तो क्या हुआ, वो डिस्टर्बेंस पैदा होना शुरू होगी पानी में. पानी एक मीडियम है, ठीक है, तो उस सतह पर रिपल्स पैदा होना शुरू होगी, या वेव्स कह लें कि पैदा होना शुरू होगी. और वो वेव्स फिर उस जगह पर रुक नहीं जाएंगी, क्या होगा, वेव्स यहां से मूव करना शुरू करेंगी तो टप के दूसरे कोने तक पहुंच जाएंगी. तो इसका मतलब है कि वेव्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करती हैं, और कब करती हैं, जब किसी मीडियम में डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो वेव्स पैदा होती हैं, और वो फिर उस मीडियम के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जो है वो मूव करती हैं, और अपने साथ साथ एनर्जी भी लेके जाती हैं, ठीक है. और ये है हमारी वाइब्रेटरी मोशन. अब ये एनर्जी कैसे लेके जाती है, इसका सबूत क्या होगा, अगर हम पानी बिल्कुल साकिन हालत में है, यहां पर हम रख देते हैं एक कॉर्क, ठीक है, या कोई भी कह ले प्लास्टिक का हमने एक टुकड़ा रख दिया, क्योंकि ये डूबता नहीं है तो ये पानी के ऊपर ही रहेगा, इसको हम रख देते हैं. जैसे ही इसके अंदर ये पेंसिल डिप की, वेव्स पैदा हुई, तो ये टुकड़ा इस जगह पे था, जब वेव्स एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होना शुरू होंगी तो ये टुकड़ा भी उन वेव्स के साथ मोशन करना शुरू हो जाएगा और यहां पर पहुंच जाएगा. तो इसका मतलब है इसमें मैकेनिकल एनर्जी आई. मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, ड्यू टू मोशन, जिसकी वजह से कोई बॉडी मूव करती है. मैकेनिकल एनर्जी की एक टाइप है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. तो इसमें वो मैकेनिकल एनर्जी आई, उस एनर्जी की वजह से ये यहां से मूव करता करता यहां पे आ गया. तो ये इसी बात का सबूत है कि वेव्स जो है वो एनर्जी ट्रांसफर करती है. नेक्स्ट एक और हम एग्जाम्पल लें, तो उसमें अगर एक सिरे से रस्सी बांध लें, ठीक है, ये रस्सी बिल्कुल स्ट्रेट फॉर्म में है, यहां से आपने पकड़ी हुई है, यहां पे आपका हैंड है,
अब क्या करें, ये साकिन हाल बिल्कुल जो है वो सीधी हालत में है। अब इस रस्सी को आप आपने जहां से पकड़ी हुई है यहां से आप मूव करें, हरकत दें उसको, ऊपर नीचे हरकत दें, तो रस्सी क्या होगी, ऐसे हो जाएगी, इस तरह की कुछ शक्ल अख्तियार कर लेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये वेव्स हैं। ये वेव्स, अब इनमें एनर्जी कौन सी हुई, आपकी हैंड की एनर्जी, आपके हैंड में मस्कुलर एनर्जी थी। ठीक है, मस्कुलर एनर्जी की वजह से आपने क्या किया, इसको मूव करवाया। वो मस्कुलर एनर्जी आपके हैंड से आ गई इस रस्सी के अंदर और वो एक जगह से मूव करती करती यहां तक पहुंच जाएगी। यही आज का हमारा टॉपिक था कि वेव्स होती क्या हैं और वेव मोशन क्या होती है, वेव मोशन का फायदा क्या है, हमारी रोजमर्रा जिंदगी में इसका इस्तेमाल क्या है। ठीक है, किस तरह से हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में वेव्स का इस्तेमाल करते हैं और कैसे वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, कैसे जो हैं वो वेव्स एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी ट्रांसफर करने का सबब बनती हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे वेव्स की टाइप्स, और वेव्स की दो टाइप्स हैं, मजीद आगे उनकी टाइप्स हैं, एग्जाम्पल के साथ हम मुकम्मल वजाहत करेंगे और हम देखेंगे हमारी रोजमर्रा जिंदगी में हम कौन सी वेव की टाइप्स जो है वो कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हुई हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को और अपना बैकअप भी लाजमी कीजिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।